नारी का सम्मान वाकई में बहुत जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शॉपिंग की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, नागालैंड समेत कई राज्यों की महिलाओं से कुछ ना कुछ खरीदा है। पीएम मोदी ने गोंद पेपर की पेंटिंग, नागालैंड की परंपरागत शॉल, मधुबनी पेंटेड स्टोल, पश्चिम बंगाल से जूट फाइल फोल्डर खरीदा, जो उनके ट्वीट करने के कुछ देर के बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। प्रधानमंत्री ने असम का गमछा यानी गमोसा भी खरीदा। वहीं केरल की महिलाओं से पाम क्राफ्ट नील विलक्कू खरीदी। खास बात यह है कि इन राज्यों में से चार राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के हित को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की है। आज महिला दिवस पर ममता ने हिसाब बराबर करने की कोशिश की। मौका महिला दिवस का है तो महिलाओं का दिल जीतने के लिए चुनावी कोशिश भी कम नहीं हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में जाकर महिलाओं के बहाने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला, तो आज महिला दिवस पर कोलकाता की सड़कों पर ममता ने पैदल यात्रा निकाली। इस वक्त देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको हराने की हुंकार भरी, अगर उसमें उनकी सत्ता चली गई तो देश में किसी भी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बचेगी। अब मौसम चुनाव का है तो प्रधानमंत्री मोदी ने ममता की उनकी दीदी वाली छवि में दरार दिखाने की कोशिश की। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया। बंगाल वैसे भी मां की शक्ति से चलता है, तो देखिए कैसे ममता ने महिलाओं को अपना चुनावी मुद्दा बनाया। इस चुनाव में ममता ने 49 महिलाओं को मैदान में उतारा है। उनके 22 सांसदों में 9 सांसद महिला हैं। राज्यसभा में भी टीएमसी की 2 महिला सांसद हैं और इस चुनाव में टीएमसी का नारा ही है, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। बीजेपी की भले ही बंगाल से आए 18 सांसदों में सिर्फ 2 महिला सांसद हैं, लेकिन ममता की बेटी वाली बात उनको छोड़कर बीजेपी में गए शुभेंदु को चुभी हुई है। এখন বলছে বাংলার মেয়ে শুনে রাখুন মাননীয়া, আপনি বাংলার মেয়ে বলে আপনাকে কেউ স্বীকার করে না, আপনি হলেন অনুপ্রবেশকারীদের ফুফু আর রোহিঙ্গাদের খালা, শুনে রাখুন আপনি। बात महिलाओं की है तो आज ममता महिला सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ मंच पर विराजमान थी, लेकिन उसी वक्त उनका साथ छोड़कर कभी करीबी रही सोनाली गुहा बीजेपी में चली गई। उधर मनचाही सीट से टीएमसी का टिकट नहीं मिलने पर सरला मुर्मू ने भी दीदी को झटका दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।